सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग इंडिया को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्मार्ट लर्निंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि ये पार्ट टू है और पार्ट वन मैंने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बता देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? रेडमंड वाशिंगटन में है। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन है। कौन कौन है संस्थापक? बिल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सेव एज कमांड। सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो उपयुक्त सभी में कर सकते हैं, जैसे HTML में भी कर सकते हैं, XML में भी कर सकते हैं और बेज पेप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? तो उपयुक्त सभी यानी ऑल होता है, करंट पेज होता है और पेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? किस कमांड के लिए? गो टू, रिप्लेस और फाइंड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन सी रिबन टैब बर्ड 2007 में नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? टूल्स नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? टूल्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, किस कमांड से डॉक्यूमेंट्स को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं? किसके द्वारा भेज सकते हैं? गो टू के द्वारा। किसके द्वारा? गो टू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? टूल्स का। किसका उपयोग करते हैं? टूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं? आंसर, हेडर और फुटर से। किससे बदले जा सकते हैं? हेडर और फुटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? नॉर्मल में। किस में होता है? नॉर्मल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? तो टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, टेबल्स भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने को शॉर्ट कुंजी क्या है? सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होगा? आंसर, Ctrl+I। क्या होगा? Ctrl+I। ये पता होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए वर्ड को सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्यूमेंट्स में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तीन बार क्लिक करके। कितने बार? तीन बार क्लिक करके सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? आंसर क्या होगा? ऑटो टेक्स्ट। क्या होगा? ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड की आवश्यकता होती है? तो सिंबल का। क्या? सिंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्ट कुंजी क्या है? वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+N। क्या होगा? Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइल को खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? फाइल को
ओपन करने के शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस ओ है। क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस बटन द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है? किसके द्वारा छुपाया जा सकता है? कॉलेप्स के द्वारा। किसके द्वारा? कॉलेप्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फैक्स इनवाइस या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स होता है, कौन सा होता है? टेम्पलेट होता है। क्या होता है? टेम्पलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? फुट नोट कहलाता है। क्या कहलाता है? फुट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप किस कुंजी प्रेस कर सकते हैं? किस कुंजी को प्रेस कर सकते हैं? बैक स्पेस को। किसे? बैक स्पेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रोल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट सकता है? किसके द्वारा हट सकता है? फुल स्क्रीन। किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बॉक्स, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हटाया जाता है? तो फुल स्क्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पिक्चर कमांड द्वारा किस पिक्चर को कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? फ्रॉम फाइल से। किसे? फ्रॉम फाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं? तो ऑप्शन होगा सी, यानी ए और बी दोनों। टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में शेडिंग, आकार, स्टाइल व फॉन्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन क्या है? न्यूज़लेटर। क्या होता है? न्यूज़लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टूलबार कमांड की सहायता से क्या किया जाता है? उपयुक्त सभी, यानी विभिन्न टूलबार को स्क्रीन पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। नई टूलबार बनाकर हटा सकते हैं या टूलबार का नया नाम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रूलर कमांड का क्या अर्थ होता है? आंसर, रूलर बार का नाम बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्यूमेंट्स में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है? बुकमार्क का। किसका होता है? बुकमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? Alt+F4। क्या होता है? Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग किया जा सकता है? कैरेक्टर का। किसका? कैरेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पैराग्राफ व लाइन की मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ व लाइन की मध्य जगह की उपस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का। किसका करते हैं? लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड कमांड की शॉर्ट कुंजी होता है Ctrl+F। क्या होता है? Ctrl+F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जाता है? पेज ब्रेक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर को क्या परिवर्तन किया जा सकता है?
पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर को क्या परिवर्तन किया जा सकता है, उपयुक्त सभी यानी पेज नंबर की पोजीशन बदलना, पेज नंबर को अलाइनमेंट करना, पेज नंबर को फॉर्मेटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है, कैसा हो जाता है यानी क्या हो जाता है, पेंट ब्रश हो जाता है, कैसा, पेंट ब्रश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विंडोज में हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है, विंडोज में हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, F1, क्या है, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्ट कुंजी क्या है, वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्ट कुंजी क्या है, F7, क्या है, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+H, क्या होता है, Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। गो टू कमांड की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, गो टू कमांड की शॉर्ट कुंजी क्या है, Ctrl+G, क्या होता है, Ctrl+G। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा बटन क्या कार्य करता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करता है, कौन करता है, सुपर टूल शिप, कौन करता है, सुपर टूल शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। डेट टाइम कमांड द्वारा डेट व टाइम को कहाँ इंसर्ट किया जा सकता है, कहाँ इंसर्ट किया जाता है, कर्सर की वर्तमान स्थिति पर, कहाँ किया जाता है, कर्सर की वर्तमान स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर और वाचर, फैक्स और व्यवसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में किसका मदद करता है, वर्ड प्रोसेसर का, किसका, वर्ड प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है, आंसर फाइल, कौन सा है, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होता है उसे स्टेटस बार कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं, टाइटल बार, क्या कहते हैं, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। फुटनोट और एंडनोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रिफरेंस के लिए, किसके लिए, रिफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है, क्या होगा, आंसर स्मार्ट आर्ट, क्या होगा, स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्टेड लाइन को राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, सिलेक्टेड लाइन को राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी Ctrl+J है, क्या है, Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, Ctrl+I, क्या होगा, सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी Ctrl+I। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट्स में दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है, किसके दिए हुए स्थान पर भेजा जा सकता है, कर्सर द्वारा, किसके द्वारा, कर्सर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, किसके द्वारा होता है, टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा, किसके द्वारा, टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है, अंडू होता है, कौन सा, अंडू। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।